नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो आप जो है इंट्रा डे में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और सॉलिड विधि मैंने आपको बताई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और सॉलिड वीडियो विधि मैंने आपको बताई है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप इंट्राडे में पैसे बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त आप कैपिटल जो है बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। कितना ज़बरदस्त बना सकते हैं तो वो वीडियो आप देख लीजिए, इसमें आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया कि 1,000 रुपये के ETF को बाय और सेल करने में कितना पैसा लगता है। तो इस पर कुछ कमेंट थे, मैं उन्हें एक बार क्लियरिफाई कर दूँ कि सर देखिए, अगर आप 1,000 रुपये का ETF बाय और सेल करते हैं तो वहाँ पे किसी ने बताया कि सर इस पे STT जो है ना इतना नहीं लगता है। तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर ना अलग अलग STT है ना। कुछ ब्रोकर आपसे 0.1% भी चार्ज करते हैं, कुछ ब्रोकर आपसे 0.0001% भी चार्ज करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपका ब्रोकर आपसे कितना चार्ज कर रहा है। मैंने सिंपल आपको बताया कि आप ब्रोकरेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर जो है कितना चार्ज लेता है, ठीक है जी। और हमारी सारी ट्रेड जो विधियाँ हैं वो स्विंग ट्रेडिंग की हैं। आपको इंट्राडे करना है तो वो भी मैंने इसमें बता रखा है, आपको भरपूर थ्रिल आएगा इसमें, ज़बरदस्त विधि है। आप अगर इस विधि से काम करते हैं तो लॉस भी नहीं कर पाएंगे आसानी से, बहुत आसानी से लॉस नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार इसे देख लीजिए और मेरी कोई भी स्ट्रैटजी अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए, ज़रूर लीजिए। वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि आप जो है अगर तरीके से काम करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको मुनाफा होने वाला है, लेकिन आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आपके पास 50,000 रुपये का कैपिटल है तो आप ETF में यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में स्विंग ट्रेडिंग करके कैसे रेगुलर रेगुलर मंथली और वीकली इनकम को कैसे आप जो है जनरेट कर सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिए। और मैं निवेदन करूंगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बगल में जो घंटी का आइकन है ना इसको हिट कीजिए और इसे ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुँचता रहे। तो दोस्तों देखिए, मैंने बताया कि आपके पास 10,000 रुपये तब आप ETF में कैसे काम कर सकते हैं, आपके पास 25,000 रुपये तब आप कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा आपके पास अगर 50,000 रुपये का कैपिटल है तब आप जो है इसमें कैसे काम करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आपके पास 50,000 रुपये का कैपिटल है फिर आप जो है कैसे काम करेंगे ETF में। इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, हमारी स्ट्रेटजी स्विंग की रहेगी और हमारी स्ट्रेटजी आएगी रेगुलर और वीकली और मंथली हम जो है इसमें से कुछ ना कुछ पैसिव इनकम जनरेट करें। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया इससे पहले वाली स्ट्रेटजी में बताया कि अगर आपके पास 25,000 रुपये हैं तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एग्जांपल के लिए जैसे कि मंथ में जो है 20 ट्रेडिंग सेशन है तो वीक में कितने फाइव फाइव जो ट्रेडिंग सेशन है वीक में, तो आप उन हर दिन में एक ETF सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि आप पहला ETF निफ्टी 20 सिलेक्ट कर सकते हैं, आप और भी कोई सा कर सकते हैं। तो सोच करिए, इसे मैंने मंडे में ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने बैंक वीज ले लिया, दूसरा ETF कौन सा है, बैंक वीज, ठीक है सर। बैंक वीज हमने कब खरीदेंगे, हम ट्यूसडे में खरीदेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो 25,000 रुपये थे उसके बारे में मैंने आपको बताया कैसे ट्रेडिंग करनी है, लेकिन अभी अगर हमारे पास 50,000 रुपये हैं तो आपको इसमें कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो तीसरा ETF जो है हमारा वो कौन सा होने वाला है, तीसरा था हमारा ITVs, ठीक है जी, ITVs जो ETF है। चौथा ETF था आपका इसमें सिल्वर बीज, ठीक है सर, चौथा ETF था सिल्वर बीज। तो ये ट्यूसडे हो गया, ये वेनसडे में हम खरीदेंगे, ठीक है सर, और ये जो खरीदेंगे ये थर्सडे में खरीदेंगे। अब एक दिन बचा वीक का, वो है फ्राइडे, यानी कि पांचवा दिन फ्राइडे, फ्राइडे में हम खरीदेंगे MON 100। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप और किसी दिन कोई सा भी ETF किसी भी दिन खरीद सकते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या था कि अगर आपके पास 25,000 रुपये तो उसमें आपको क्या करना था, 1,000 रुपये की खरीदारी इसमें करनी, 1,000 की इसमें खरीदनी करनी, 1,000 की इसमें करनी और 1,000 की आपको इसमें करनी, ऐसे करके जो आपकी पर वीक खरीदारी होती है वो कितने की होती है, 5,000 रुपये, ठीक है सर, 5,000 रुपये की आपको खरीदारी पर वीक होती। तो आप हर दिन यानी कि 5 दिन मार्केट खुल रहा है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे, तो हर दिन आप खरीदारी कर रहे हैं
ठीक है, और किस जगह खरीदारी करनी थी वो मैंने आपको बताया कि आपको खरीदारी करनी है बी वेब पे। बी वेब पे आपको खरीदारी करनी है, यानी कि जो इसका बी वेब प्राइस आएगा, यानी कि सपोज करिए आज जो तारीख है वो है 7 फरवरी है आज जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे अगर 8 फरवरी के लिए खरीदारी करनी है तो मुझे 7 फरवरी का बी वेब इसका देखना पड़ेगा, या तो मार्केट बंद होने के बाद या मार्केट सुबह खुलने से पहले मैं बी वेब प्राइस देखूंगा और उसको एएमओ या जो है ऑर्डर लिमिट ऑर्डर भर के रख दूंगा। तो इसमें जो है 90 से 95% चांसेस होते हैं कि ये मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो ही जाएगा। तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है सर। अब आप बोलोगे 25,000 का, तो सर आपने बता दिया कि यहाँ पे हमें खरीदारी करनी है वीक में 5,000 रुपये की, महीने में 20,000 रुपये की हो जाएगी, और जो है इससे हम लगभग 5 वीक तक रेगुलर खरीदारी कर सकते हैं। यही मैंने बताया, पहला टारगेट हमारा 5% रहने वाला था, ठीक है। पहले हफ्ते मैंने मान लीजिए मंडे को निफ्टी बीच खरीदा, उसमें टारगेट मैं 5% का रखूंगा, ठीक है। और दूसरे हफ्ते भी अगर ये मेरा 5% का टारगेट नहीं आया तो अगले हफ्ते जो मैं खरीदूंगा तो जो भी मेरा एवरेज प्राइस आएगा उस पर मेरा टारगेट 4% होने वाला है, ठीक है सर। तीसरे हफ्ते मेरा टारगेट जो है, तीसरे हफ्ते भी अगर ये नहीं आया तो मेरा टारगेट यहाँ पे 3.5% हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद भी अगर ये नहीं आया, ये चौथे हफ्ते भी नहीं आया, यानी कि पहले 5, फिर 4, 3.5, उसके बाद 3, और उसके बाद में फिर मेरा 5 में जो टारगेट है वो 2.5% रहेगा। अब इसमें कुछ कमेंट और भी थे कि सर अगर ये बी वेब से प्राइस ऊपर खुला अगले हफ्ते तो क्या करेंगे। ऊपर खुला मैंने बताया कि 90 से 95% आपका जो है ऑर्डर हिट होगा, अगर नहीं हुआ तो वेट करिए, लेकिन आपको टारगेट घटा देना फिर वो। अगर आपकी दूसरी या तीसरी बाइंग नहीं होती है तो टारगेट जो उस वीक का है वो वीक आपको वो टारगेट घटा देना है, तो इससे आपका टारगेट जल्दी हिट होगा, आपका पैसा जो लगा हुआ है उसमें वो जल्दी खाली होगा, आप नई बाइंग कर पाएंगे, ठीक है सर। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको टारगेट क्या रखने थे, इसमें मैंने आपको बताया किस दिन कैसे खरीदारी करनी है। ये ETF ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, आप बैंक बीज मंडे को खरीदिए, ठीक है, IT बीज मंडे को खरीदिए, कोई सा भी ETF कभी भी अपने तरीके से आप खरीद सकते हैं। सिंपल से नियम है इसके कि पहली बात तो जो भी आप ETF खरीदेंगे वो अपने 52 वीक से, यानी कि 52 वीक का जो भी इसका हाई होगा उससे 15 से 20% की रेंज में होना चाहिए, यानी कि ये हाई की तरफ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, दूसरी कंडीशन है कि इसमें जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। पता चलिए आपने कोई ऐसा ETF ले लिया कि जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, आपने खरीद तो लिया लेकिन आपसे कोई खरीदने वाला उसको है नहीं, यानी आपने बेच दिया तो पता चलिए आपको मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए ETF ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसमें बायर और सेलर भरपूर मात्रा में हो, वॉल्यूम भी उसमें आता हो, ठीक है, जिससे आपको बेचने और खरीदने में आसानी रहे। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, हम 50,000 से जैसे करेंगे, 25,000 से जैसे करेंगे, यानी कि जैसे आपने 25K का बताया वैसे हम जो है 50,000 का कर लेंगे, और उसके बाद में जहाँ पे हम दो दो एक एक हज़ार की खरीदारी कर रहे थे पर भी वहाँ हम 2-2 हज़ार की कर देंगे, ठीक है सर। हो सकता है आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास फंड है तो। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, देखिए हम कितनी सारी चीज़ें कवर कर रहे थे, हम निफ्टी 50 में 50 स्टॉक कवर कर रहे थे जो हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियां निफ्टी 50 में, ठीक है सर। हम बैंक वीज कवर कर रहे हैं जिसमें बैंक के जो टॉप बैंक हैं उनका पूरा का पूरा जो है हम इंडेक्स कवर कर रहे हैं बैंकिंग का, बैंक निफ्टी में, ठीक है, वो कंपनियां कवर कर रहे हैं। IT में हम जो है IT वीज की जितनी भी टॉप क्लास कंपनियां हैं वो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद हम कमोडिटी भी कवर कर रहे हैं, यानी कि सिल्वर बीज के साथ, ठीक है सर। उसके बाद हम जो है MON 100 यानी कि विदेशी मार्केट भी हम कवर इसमें जो है कर रहे हैं, यानी कि 100 कंपनियां जो MON 100 की हैं उसमें भी जो बेहतरीन कंपनियां हैं हमारा पैसा उनमें भी लग रहा है। तो पहली बात तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करना है तो क्या करना है। जैसे हम मैंने 1 से लेके 5 तक आपको बताया निफ्टी 20, ठीक है सर, आप निफ्टी 20 खरीद लें एक। नंबर दो आप खरीद लें बैंक 20, ज़बरदस्त लिक्विड ETF है ये, बेचने और ख़रीदने में कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है। तीसरा आप खरीदेंगे IT 20, ठीक है सर। चौथा आपका हो गया सिल्वर 20। समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा भी देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है ये। पांचवा हो गया आपका MON 100, ठीक है सर, 5 तो ये हो गए। लेकिन हमें ख़रीदारी इनमें 1-1 हज़ार की करनी है, तो यहाँ पे जैसे कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2-2 हज़ार भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करना है तो आप क्या करेंगे, छठा ETF सेलेक्ट करिए, ठीक
सब में खरीदारी हजार हजार की रखिएगा, सब में खरीदारी आप हजार हजार रुपए की रखिए। छठा ETF सेलेक्ट कर लीजिए, PSU बैंक, बहुत ही जबरदस्त ETF। आप बोलोगे सर बैंक का ये भी दे दिया, बैंक का ये भी दे दिया, तो इसमें सारे बैंक है, इसमें खाली PSU बैंक है। जबरदस्त अप डाउन रहता है ये भी, जबरदस्त आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कराएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बुक करवाएगा ये भी, क्योंकि हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट तो करने आए नहीं यहाँ पे, हम तो स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू अपने रिटर्न निकाल रहे हैं, मंथली और वीकली हमें रिटर्न निकाल रहे हैं। सातवां ETF आप सिलेक्ट कर लीजिए, फार्मा बीज। फार्मा बीज सरकारी बैंक हम यहाँ से कवर करेंगे, फार्मा सेक्टर को भी हम यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद आठवां ETF है आपका ऑटो बीज, ऑटो बीज जबरदस्त ETF, जबरदस्त। उसके बाद हम निफ्टी 50 से आगे बढ़ेंगे, नवा ETF है हमारा जूनियर वीज, जूनियर वीज ठीक है सर। दसवां ETF है हमारा ICICI सेंसेक्स, हम सेंसेक्स भी कवर करेंगे, जो वो 30 कंपनियां हैं सेंसेक्स में, हम उनको भी कवर करेंगे। तो देखिए पूरा डाइवर्सिफाइड, आप कितनी सारे सेक्टरों में कितनी सारी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि जो आपका 50,000 रुपये भी है ना, सब में एक 1,000 लगाइए पर वीक, जो भी आपका वीक में दिन है उसमें एक वीक में दो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सपोज करिए आपने मंडे में निफ्टी वीज ले लिया, ठीक है सर, एक तो मैं निफ्टी वीज लूंगा मंडे में और दूसरा मैं PSU वीज लूंगा मंडे में, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 2,000 रुपये की खरीदारी आपकी पर डे होगी, तो ट्रेडिंग आपकी पर डे होगी, थ्रिल आपको जबरदस्त रहेगा, सेफ आप हैं ही क्योंकि आप ETF में हैं। दूसरा ETF में भी डाइवर्सिफिकेशन इतना है कि आप 10 ETFों में काम कर रहे हैं, जबरदस्त ETFों में, टॉप 10 जो ETF हैं वो मैंने आपको बताए हैं, आप उसमें काम कर रहे हैं। दूसरा हर वीक आपका किसी ना किसी ETF का टारगेट हिट होता रहेगा, आपको जो है रेगुलर वीकली इनकम जनरेट होती रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि मात्र 10,000 रुपये से भी शुरुआत करते हैं ना, जैसे ये भी बताया मैंने 10,000 रुपये से, और भी एक बताया कि 10,000 रुपये अगर आप ETF में लगाएंगे तो कैसे आप जो है कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कितनी आप अपनी वेल्थ जो है उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो 10,000 रुपये से जैसे मैंने इसमें ही बताया, आप डिटेल में है ये वीडियो तो देख लीजिए, मैं एक बार छोटा छोटा सा आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। लोग पूछते ना सर कितना परसेंटेज पैसा बनेगा, तो मैं वो बता रहा हूँ, तो 10,000 रुपये अगर आप 2% भी कमाते हैं ना मंथली, मंथली 10,000 का 2% कितना हो गया, 200 रुपया, ठीक है जी, कितना हो गया 200, और तो आपका पैसा बनेगा 10,200 एक मंथ में, है ना, 10,200 ही बनाना है, और इसको री इन्वेस्ट कर दें तीसरे मंथ, हम 10,200 के खरीदेंगे, अब इसको री इन्वेस्ट कर दें, और जो भी इससे बनेगा 2% इसका, उसको फिर री इन्वेस्ट कर दें। अगर हम इसको री इन्वेस्ट करते रहें तो इसमें कंपाउंडिंग की एक इनकम लगती है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कभी अगले किसी वीडियो में इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे पड़ेगा आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग, आप इसके थ्रू बिल्कुल एक साल में आपको 24% ही निकालना है 10,000 रुपये पे, या जो भी आपका कैपिटल है, तो कुछ करिए आपने यहाँ पे कैपिटल बढ़ा दिया और यहाँ पे 24% ही निकाला, और इसको री इन्वेस्ट करते गए आप, अगर 10,000 रुपये को री इन्वेस्ट करे ऐसे करके, अगर आपने 360 ट्रेडें भी अगर कर ली, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपका पैसा बनेगा 1,24,00,000 रुपये से भी ऊपर। आप देख लीजिए एक बार, खुद भी कैलकुलेशन कीजिए कैसे करते हैं, लेकिन करना ये, जो भी आप बनाएंगे ना 2% उसको री इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर आप यहाँ पे कैपिटल बढ़ा लेते हैं, ये तो मैंने बहुत मिनिमम बताया कि आप 2% महीने में निकालना है, आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, 10,000 में 200 रुपये से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं आप, है नहीं, तो आप अगर उसको री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ये जो 360 ट्रेडों में जो पूरी होने वाली है ना, मैंने तो इसमें आपको खैर बताया कि हर महीने 2% भी निकालते हैं, तब आपका 30 वर्षों में इतना पैसा बनेगा। लेकिन ये 30 वर्षों का जो पैसा है ना, आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा लें, जैसे आपका 50,000 है, इसका 2% निकालें, री इन्वेस्ट करें, तो ये आप 3 साल 5 साल में भी जो है ना इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार स्ट्रैटजी मैं आपके साथ साझा करी, अगर कुछ समझ में ना आया तो मुझे को कमेंट करिए आप, कमेंट पूरा कमेंट बॉक्स जो है पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मैंने ETF के ऊपर लगभग 50 से ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप एक बार जाके सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेंगे उसमें, आप देखें एक बार। और मैं निवेदन करूँगा फिर अपने उन सभी दोस्तों से, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी का आइकन है उसको हिट करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहे।
और अपने उन बिगनर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने अगर अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके अपने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे डिस्काउंट ब्रोकर ही हैं, लगभग सब एक जैसे ही हैं, आप किसी के साथ भी खोल सकते हैं। आप देखिए कि कौन आपको सर्विस बेहतर देता है, किसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, किसका जो है मोबाइल एप्लीकेशन बेहतरीन है, आप उनके साथ जा सकते हैं। आप स्टॉक कार्ट के साथ जा सकते हैं अगर आप इंट्राडे करते हैं, ₹15 वो इंट्राडे में चार्ज करते हैं, डिलीवरी पे फ्री है। इंट्राडे में अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है तो वो आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज लॉस पे नहीं करते, आप उनके साथ भी खोल सकते हैं। बढ़िया पावर्ड बाय SMC ग्लोबल के जो है डिस्काउंट ब्रोकर हैं स्टॉक कार्ड, आप उनके साथ भी खोल सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।